सो हाई गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं जाट टेक सेटअप चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो वो हमारी वैलोरेंट गेम के ऊपर होने वाली है। तो वैलोरेंट में आपने आजकल देखा होगा, एक दो दिन पहले वैलोरेंट का एक नया ऑफिशियल ट्रेलर आया था, एक नए एजेंट का, वैलोरेंट का नया एक्ट भी आने वाला है, नया बैटल पास भी आएगा। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन सा जैसे नया एजेंट है वो कैसा वर्क करता है, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, और जो नया जो बैटल पास है वो उसकी स्किन्स कैसी हैं, और आपको लेना चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो गाइस, फर्स्ट एबिलिटी जो हमारे नए एजेंट की है वो हमारी फ्रेगमेंट। ये एक नैनो स्वॉर्म है, जैसा आपने किलजॉय के उस पर देखा होगा, उसकी सी वाली जो पावर होती है वैसे ही आपकी इसमें भी मिलेगी, बट इसमें आपके चार्जेस होंगे वो सिंगल एक ही चार्ज होगा। ये नैनो स्वॉर्म की तरह काम करेगा, बहुत ज़्यादा डैमेज देगा नैनो स्वॉर्म से भी। और जो सेकेंड एबिलिटी है वो हमारी फ्लैश, जो मेजरली सभी एजेंट्स के पास, सभी इनिशिएटर्स के पास, क्योंकि ये एक इनिशिएटर एजेंट है, उनके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको साइट पर एंट्री करनी है तो उनको फ्लैश चाहिए ही चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये पॉप फ्लैश की तरह काम करेगा, मतलब जैसे योरू का फ्लैश होता है उसी तरह काम करने वाला है। अब जो थर्ड है वो इसका नाइफ है, जो इसकी ई वाली पावर है, जो मतलब रिटेन हो जाती है पावर कुछ टाइम के बाद। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसे फेंकोगे तो कुछ रेडियस के अंदर ये बंदों को सप्रेस कर देगा। सप्रेस मतलब कि आप उन वो अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप नीचे देख रहे हो कि मेरे भी कूल डाउन सा आ गया, ऐसे ये आप इसे यूज़ नहीं कर सकते इन एबिलिटीज़ को, ये इसमें आ जाता है। और जो लास्ट इसकी अल्टीमेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया, इसका नाम है नल CMD। इसे आप ऑन करते हो तो आपके ऊपर एक रेडियस मतलब एक रिंग सी बन जाती है, और जो भी उस रिंग के अंदर आएगा वो सप्रेस हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है कुछ लोगों के लिए। और इसका जो वो है स्प्रे, वो आपकी जैसे रेना की अल्टीमेट होता है वैसा फास्ट हो जाएगा। सो गाइस, जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने अल्ट ऑन करी, और जैसे ही मेरे सामने कोई भी आता है तो मुझसे मर जा रहा है, मेरे पे कॉम्बैट स्टीम जैसे आ चुका है, जिससे मेरा स्प्रे वगैरह सब फास्ट हो चुका है। और इसकी जो सब अल्टीमेट का सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि अगर आप अपने अल्टीमेट के दौरान, मतलब आपके अल्टीमेट ऑन है और स्टैम मर जाते हो, तो आप रिवाइव हो सकते हो अपने टीममेट के थ्रू। जैसे आप समझ सकते हो कि आप पे 14 सेकंड्स का या 13 सेकंड्स का एक टाइमर होगा, उसके बीच में अगर आपका टीममेट आपको रिवाइव करता है तो आप रिवाइव हो जाओगे फुल 100 HP के साथ, कोई भी आपके HP कम नहीं मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है एक इनिशिएटर के हिसाब से, क्योंकि इनिशिएटर ही सबसे पहले मरता है। और आप उससे एंट्री लेके उसे रिवाइव कर दो तो आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो गाइस, यही थी एजेंट्स की एबिलिटी, और इस एजेंट का नाम है KO, जो अगले हफ्ते तक आप सबके पास एक्सेस आ जाएगा। अभी कुछ ही लिमिटेड लोगों मतलब कंटेंट क्रिएटर्स पे आया है, मेरे पास भी अभी आया नहीं, मैंने भी किसी और की वीडियो उठाई है, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर आपको उसकी वीडियो पूरी देखनी है। तो गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़, जो हमारी बैटल पास की स्किन्स वगैरह या जो भी ग्रेफिटीज़ वगैरह होती हैं वो कैसी हैं, और आपको लेना चाहिए बैटल पास या नहीं लेना चाहिए। तो बढ़ लेते हैं आगे बैटल पास की तरफ। सो गाइस, बात कर लेते हैं हम नई जो स्किन्स आ रही है हमारी, जो नए बैटल पास की स्किन्स हैं, जिनका नाम है KTech। तो ये काफ़ी सही है देखने में, क्योंकि इसका जो स्वॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छे लुक में है, और इसमें थोड़ा डिज़ाइन आपको थोड़ा डायमंड कट का डिज़ाइन मिलेगा। तो आपको इसमें कौन स्किन मिलेंगी वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्किन है वो हमारी वैंडल की है, जो आपको KTech वैंडल मिलेगी, जो काफ़ी अच्छे लुक में है डायमंड से। तो अगर ये ठीक प्राइस में हुआ तो आप इसे ले सकते हो, अच्छा बैटल पास है, कोई बुरा बैटल पास नहीं है, एटलीस्ट पुरानों से तो काफ़ी अच्छा है। और जो सेकंड स्किन है वो बुलडॉग की, और थर्ड है वो शेरिफ की स्किन में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि उसके साइड में जो उसका रीलोड जहाँ पे होता है, वहाँ पे जहाँ पे उसकी बुलेट्स लगती हैं, वहाँ पे डिज़ाइन आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और फोर्थ स्किन जो इसमें है वो है हमारी ऑपरेटर की, तो आप अगर ऑपर हो तो आप ज़रूर ले लो इसको, क्योंकि ऑपरेटर की काफ़ी अच्छी स्किन है, ब्लैक सी जैसे आपकी रिवर स्किन है वैसी थोड़ी सी स्किन लग रही है देखने में। और जो लास्ट जो इसका नाइफ है, तो नाइफ का मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि नाइफ कैसा लगता है, क्योंकि नाइफ आपको अगर प्रीव्यू देखोगे तो ही देखने में समझ आएगा। बट इसमें आपको कोई भी किल इफेक्ट नहीं मिलता, जैसे वैलोरेंट की महंगी स्किन्स होता है वैसे आपको कोई भी किल इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल से स्किन्स है। तो आप चाहे अगर ये अच्छे प्राइस में आता है तो आप इसे आराम से बाय कर सकते हो, अच्छा बैटल पास है, बेकार बैटल पास नहीं है। और इसमें काफ़ी अब गुडीज़ भी मिलती हैं, जैसे छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं बडीज़ वगैरह, तो वो भी ले सकते हो, उनको मैं अगर वीडियो में कवर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस, यही थी वीडियो। सो गाइस, जैसे ही इसका मेरे को अपडेट आता है तो मैं इसका गेम प्ले भी डाल दूंगा। तो गाइस, कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर चैनल को, और घंटे के आइकन को जरूर दबाना, वरना मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं पाएंगी। तब तक के लिए बाय गाइस। Just a